रखे हैं देवरियाताल, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये ट्रिप की शुरुआत कहाँ से हुई वहाँ ले चलता हूँ और फिर आते हैं हम यहीं पे। अभी हम 1.5 किलोमीटर करीब आए होंगे और लग रहा मैंने कहा अपने हिसाब से, और इतना ही अभी हमें और जाना है। गाइस अभी हम आधे रास्ते आ चुके हैं, ये मेरे पीछे देखिए आप पूरा जंगल। 2 किलोमीटर के करीब हम आ चुके हैं अभी ऑलरेडी, और अभी हम एक रास्ते से आए हैं। शाम को हम घर जाते वक्त दूसरे रास्ते से जाएंगे, तो मैं आपको वो वाला रास्ता दिखाऊंगा। वहाँ उस तरफ एक काफ़ी बड़ा मैदान टाइप का है, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल मेरे पीछे इस तरफ में है, ये देखिए गाइज यहाँ ऊपर पेड़ पे हमारे गांव की औरतें पेड़ काट रही हैं घास के लिए, गायों के लिए। यही है पहाड़ों का जीवन। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। गाइज अब हम लोग आधा रास्ते से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, आधे रास्ते से भी ऊपर आ चुके हैं। और ये नीचे देखिए हमारा गांव, तो वहाँ नीचे से आए हैं हम लोग ऊपर। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये वाला एरिया मेरा घर है, और वहाँ से इस गांव में होते हुए इस बीच में ये जंगल से होते हुए हम लोग यहाँ से ये पेड़ों के पीछे से और इस रास्ते पे आए हैं। और अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। और अभी भी हमें तकरीबन 1 किलोमीटर और जाना होगा, 1.5 घंटा हमें करीब हो चुका है चढ़ते चढ़ते, बस अब थोड़ा ही रह गया है। तो जल्दी मैं आपको फिर देवरियाताल दिखाता हूँ। पूरा जंगल का रास्ता है ये सारा, नीचे घर के ऊपर से ही और जंगल शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा जंगल है। गांव की काफ़ी सारी औरतें यहाँ पे घास लेने के लिए भी आती हैं। हालत ख़राब हो रही है, मज़े भी आ रहे हैं। ये मेरे पीछे देखिए गाइस पूरा पेड़ टूट के गिर गया है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से आंधी तूफान आता है, तो पूरा पेड़ ही नीचे गिरा हुआ है, पूरा पेड़ ही टूटा हुआ है। तो हमें यहाँ बीच बीच में से होके जाना पड़ रहा है, रास्ता ब्लॉक कर रखा है पेड़ ने। ये देख लीजिए कितना बड़ा पेड़ पूरा उखड़ के नीचे गिरा हुआ है। तो हम देवरियाताल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, यहाँ से थोड़ा सीधा सीधा ही है रास्ता। तो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं देवरियाताल। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारा देवरियाताल है, ये काफ़ी बड़ी झील है। और आजकल यहाँ पे पानी काफ़ी कम हो रखा है, वैसे ये आप देख सकते हैं ये पूरा देवरियाताल का एरिया, कितनी अच्छी झील है। रास्ते भर की सारी थकान मिट गई यहाँ पे पहुँच के।
के पीछे यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स बने हुए हैं, तो अगर आप लोगों को कभी यहाँ पे आना है तो आप लोग यहाँ पे आके यहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये नीचे जो लेक वाला एरिया है यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउड नहीं है। पहले यहाँ पे कैंपिंग कर सकते थे बट अब फॉरेस्ट वाले यहाँ पे अलाउ नहीं करते। और ऊपर जो ये पेड़ हैं, इन पेड़ों के पीछे आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंप्स बने हुए हैं और अगर आपको सेल्फ़ कैंपिंग करनी है तो आप यहाँ पे सेल्फ़ कैंपिंग भी कर सकते हो इसी एरिया में आके। गाइज अभी हम झील की दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ से भी आप पूरी झील से देख सकते हैं। ये जो पूरी झील है ये अराउंड 1 किलोमीटर बड़ी होगी अगर पूरा सर्कल देखा जाए इसका तो। और बाकी झील के चारों तरफ घूमने के लिए ऐसे रास्ते बना रखे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है, वो ऊपर फॉरेस्ट वालों का चौकी है, यहाँ पे फॉरेस्ट के गार्ड रहते हैं हमेशा, 2-3 तो हमेशा ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं और लोग यहाँ पे मछलियाँ मारने के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूरी झील को गार्ड करने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2-3 गार्ड ऑलरेडी रहते हैं हमेशा ही। गाइस जो नेचर लवर है उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट जगह है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ से चौखंबा का व्यू भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। अभी तो बादल लग गए हैं, टाइम लैप्स में आपने थोड़ा सा देख ही लिया होगा। और बाकी ये पीछे झील भी आपने देख ही ली, पूरी ग्रीन झील और चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे। ऊपर साइट सीइंग के लिए मचान सा बना रखा है, यहाँ से आपको पूरा एरियल व्यू दिख जाता है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पेड़ पे लाल लाल बुरांस लगे हुए हैं, बुरांस के फूल लगे हुए हैं, इससे जूस भी बनता है बुरांस से। यहाँ पे कुछ पुरानी मान्यताएं भी हैं कि यहाँ पे एक बार कुछ नाचने वाला एक कपल आया था, हस्बैंड और वाइफ दोनों, और यहाँ पे एक नाग देवता का मंदिर है, तो उन्होंने नाग देवता को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी देर तक यहाँ पे डांस किया था, तो नाग देवता ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। और यहाँ आगे वो मंदिर है तो मैं आपको वो मंदिर भी दिखा देता हूँ, छोटा सा मंदिर है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गाइस ये है वो मंदिर जिसकी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, नागराज का मंदिर। जन्माष्टमी के दिन यहीं पे पूजा होती है और यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन सारे जगह से डोलियाँ लेके आते हैं, मतलब सारे गांव से। बाकी एक बार पूरी झील। अभी शाम हो चुकी है गाइस, शाम के 5:45 बज चुके हैं और ये देखिए सनसेट हो रहा है और यहाँ पे झील में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे चौखंबा का रिफ्लेक्शन आता है, आज हम लोग रात में यहीं रुकने वाले हैं तो मैं मॉर्निंग का भी रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को, चौखंबा का रिफ्लेक्शन झील में। तो गाइज़ ये जो पीछे कॉटेज देख रहे हो आप लोग, आज हमारा यहाँ पे स्टे होने वाला है, रात को हम यहीं पे रुक रहे हैं और मैं ट्राई करूँगा अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज़ होगा सनराइज़ कैप्चर करने का। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कॉटेज है तो इसकी हमने परमिशन ले रखी है, तो आज हम लोग यहीं पे रहेंगे। काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे अभी भी, रात में लाइट नहीं थी यहाँ पे, सोलर लाइट से काम चलाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया रात में। देखिए गाइस कितना प्यारा नज़ारा है, सुबह सुबह 7 बज रहे हैं, सनराइज़ हो रहा है अभी, पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। गाइस ये सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है और यहीं पे सारे रास्ते आते हैं, चाहे आप हमारे गांव की साइड से आएँ चाहे आप सारी की तरफ से आएँ, तो यहाँ पे आपको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हम लोग लोकल्स हैं तो हमें नहीं कराना होता है, सिर्फ आईडी दिखानी होती है। तो गाइज़ अभी हम घर जा रहे हैं, आधे रास्ते तक वापस आ चुके हैं। ये वो मैदान है जिसकी मैं कल बात कर रहा था ऊपर जाते वक्त, यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने काफ़ी बड़ा पॉन्ड सा बना रखा है जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए, पानी का कनेक्शन लगा रखा है यहाँ पे। और यहाँ तक तो हमारे गांव की औरतें भी
घास लकड़ियाँ लेने के लिए आती हैं। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना।